एक बहन का सवाल था कि तहारत कैसे हासिल करें। डॉक्टर निगत हाशमी से पूछना चाहती हैं, तहारत पानी से हासिल की जा सकती है, सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 48 से पता चलता है, और तहारत मिट्टी से भी हासिल की जा सकती है, सूरतुल निसा की आयत नंबर 43 और बुखारी शरीफ की रिवायत नंबर 347 से पता चलता है। अगला सवाल ये था कि तहारत किस तरह के पानी से हासिल की जा सकती है। तहारत सिर्फ पाक पानी से हासिल की जा सकती है, तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत नंबर 69 से पता चलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पानी नापाक कैसे होता है। अगर पानी की मिकदार कम हो और उसमें निजासत, गंदगी या नापाकी पड़ जाए, मसलन पानी में पेशाब के कतरे गिर जाएं या किसी जानवर की गंदगी गिर जाए, पानी में कोई मुर्दा जानवर गिर जाए, तो वह पानी नापाक हो जाता है। शर्त यह है कि पानी की मिकदार कम हो, और अगर पानी की मिकदार ज़्यादा हो और उसमें थोड़ी मिकदार में गंदगी हो तो उसका मामला फ़र्क है। अगर पानी की मिकदार ज़्यादा हो लेकिन गंदगी थोड़ी हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गंदगी पड़ने की वजह से अगर उसका रंग, बू या मज़ा बदल जाए तो वो भी नापाक हो जाता है, इब्ने माजा की रिवायत नंबर 521 से पता चलता है। एक और सवाल था कि पानी की ज़्यादा मिकदार का तायुन कैसे होगा। पानी की ज़्यादा मिकदार से मुराद दो कुल्ले हैं, यानी तकरीबन 210 लीटर पानी, इब्ने माजा की रिवायत नंबर 517 से पता चलता है।